बाप ने अपनी नेत्रहीन धी नूं बचपन तो ही शब्द कीर्तन नाल जोड़िया ते धी ने भी उह सब कर दिखाया जो उस लई करना बहुत औखा सी। समाज विच अजिहे बहुत सारे बच्चे हन जो किसी ना किसी कारना करके अपाहिज हन अते हिम्मत हार चुके हन। पर बटाला दे नेड़े पिंड चाहल कलां दी 12 साल दी इस धी मुस्कान प्रीत कौर ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार ने जिस पासे धी नूं तोरिया धी भी उसे सफर नूं पूरा करन लई हर कोशिश कर रही है, चाहे राह विच उस नूं किन्नियां ही औकड़ां क्यों नहीं आ रहीयां, क्योंकि धी नेत्रहीन है। मुस्कान ने दसिया कि उसनूं उसदे पिता ने शब्द कीर्तन नाल जोड़िया है अते ओह वी लगातार मेहनत कर रही है तां जो अपने मां बाप दा नाम रोशन कर सके। शुरुआत विच जरूर मुश्किलां आईयां पर कोई औखा नहीं लगता क्योंकि मां बाप दा पूरा सहयोग सी। उसने गलबात करदे होए दसिया कि मेरा सुपना है कि मैं म्यूजिक टीचर बना अते अपने वर्गे अपाहिज बच्चियां नूं शब्द कीर्तन सिखा सका। मेरी बेटी जो ब्लाइंड है मुस्कानप्रीत कौर, वो अजकल कीर्तन सीख रही है अचल साहब तो, बाबा हजारा सिंह संगीत अकैडमी तो। वो बहुत ही वधिया कीर्तन कर रही है, गुरद्वारा साहब होर भी कॉम्पीटिशन च हिस्सा लै रही है जो जित के आ रही है, तो मैं बहुत खुश हाँ। वो सारा घर का काम नॉर्मल बच्चा वो कर लेंदी है, घर च रही है, जिदा जो भी बाहरों आने पानी पिलाउंदी है, रात को बिस्तरे बिछाउंदी है, सवेरे चुकदी है, सारा काम करती है। मैनू मतलब दिल च नहीं है भी इहनू दिखाई नहीं दिंदा, जिदा दूजे बच्चे खेडदे आ उदा ही खेडदी है नाल घर, तो सवेरे 4 बजे उठ पैंदी है जदों मैं गुरद्वारा साहब जाना, नाल ही फिर रियाज करना शुरू कर दिंदी है, लगातार 2-2 घंटे रियाज करती है, तो बहुत मेहनत कर रही है बच्ची। आने वाले समय में मैनू लगता ये बहुत उच्चे मुकाम ते पहुँचूगी। बाकी सारी संगत का आशीर्वाद ये नाल आ, महाराज कृपा करे अपना मेहर भरिया हाथ के सिर पर रखे। मेरा नाम मुस्कानप्रीत कौर है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हाँ। तो मैनू कीर्तन सीखती नूं 2 साल हो चुके हैं, तो मैं 10 साल दी सी जदों मैं कीर्तन सीखण पई। तो पहला मेरा संगीत वल ध्यान सीगा, तो फिर मेरे पापा ने फैसला लिया कि इहनूं कीर्तन सिखाउणा चाहीदा है, तो मैनू कहा। बट जदों मैं पहला कीर्तन करन पई मैनू लग्गिया कि मैं नहीं सीख पाउणा, बट फिर मेरे अंदरों ही एक आवाज़ आई कि मैं कीर्तन सीख सकती हाँ। तो मैं हुण पटियाला स्कूल फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड पढ़ती हाँ, तो मैं उत्थे मैनू मतलब ब्रेल पढ़ लिखन विच ते थोड़ी जी दिक्कत आती है, बट मैं ओरल याद कर लैनी हाँ। तो उत्थे जदों मतलब पहला कितने मैं शिफ्ट होनी हाँ, तो उदों तो सहेलियां नूं भी रास्ता पता हुंदा, तो आंटी लै जाती है कई बार, जिहड़ी सहेली नूं दिखदा हुंदा उह लै जाती आ, तो बाकी खुद ही पता लग जाता है। तो जदों एग्जाम वगैरह होंदे आ तो किसी को मतलब सहेली को जाना हुंदा तो आप ही चली जाइदा वा। तो मैं अगे चल के म्यूजिक टीचर बनना चाहनी हाँ, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना चाहनी हाँ, तो अपने वर्गे बच्चों सिखाना चाहनी हाँ। मैं संत बाबा हजारा सिंह संगीत अकैडमी अच्छा साहब चला रहा मैं तकरीबन 20 साल तो। बहुत ही बच्चे मेरे को सीख के जेडे कि विदेशों के जाके जॉब कर रहे हैं, कुछ इतने भी जॉब कर रहे हैं, और मेरे को मुस्कान दी पहला ही बच्चा वा कि जरा नेत्रहीन सीगा, तो जो तो मेरे को लैके आए तो मैं पहले इनकार कर दिता सी कि नहीं अं कभी इस तरह सिखाया नहीं है भी बहुत मुश्किल वा, पर फिर भी चलो मेरे नाल कुछ विद्यार्थियों ने कुड़ियों ने सलाह की कि नहीं आप कोशिश करते हैं सैं तो परमात्मा कृपा करो, और परमात्मा ने बहुत कृपा की इस वक्त कुड़ी हुण साडे कोल अं कोशिश कर रहे कि उस्ताद बनाउणा है। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आई हैं पर हुण कोई मुश्किल नहीं हैगी क्योंकि इन्हें शब्द कंठ भी करवाना पैंदा है नाल दे नाल, और आपां बच्चों की ड्यूटी ला दें कोई ना कोई बच्चे शब्द कंठ करवा देता है, तो हरमोनी बहुत सोहना बजा लैंदे आ।